been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेमडी न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज़ काफी यूनिक और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एवेंजर 4 में दो कैरेक्टर सरवाइव करेंगे, वो होंगे हमारे टोनी और कैप्टन अमेरिका। बट इनसे रिलेटेड एक और अपडेट आया है एवेंजर 4 में कि ये दो कैरेक्टर जो सरवाइव करेंगे उन्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा एवेंजर 4 में। जी हाँ, अगर ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो इनका इम्पोर्टेंट कैसे होगी, लोग इन्हें याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये मूवी टोनी और कैप्टन की लास्ट मूवी हो सकती है। तो इनका सेक्रीफाइस का करने का मींस मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मुझे क्या लगता है, अगर ये 2012 के इवेंट में गए या सिविल वॉर के इवेंट में गए या किसी भी टाइमलाइन में जाती हैं, तो इनको पता है कि इस इवेंट में क्या हुआ था हमारे साथ, तो शायद उस टाइम को लाइन को ये कंटिन्यू करने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में काफी मौतें हो चुकी हैं, बट जो एवेंजर 4 में भी मरेगा वो परमानेंट मर जाएगा, तो शायद इनका मतलब यही होगा सेक्रीफाइस करने का। और आपको क्या लगता है कि सेक्रीफाइस का मींस क्या हुआ एवेंजर 4 में इन दोनों के लिए, कैप्टन और टोनी के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तभी एवेंजर 4 इम्पोर्टेंट होगी। और गाइज, आज मैंने दो वीडियो अपलोड करे थे सिल्वर और ब्लैक के ऊपर और बटिस्टा के ऊपर। अगर आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिए। और गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर आयरन स्पाइडरमैन सूट के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।